हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू ब्लिंग स्पार्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लीव पैटर्न्स की। व्हेन इट कम्स टू ब्लाउजेस, सारी ब्लाउज हो या फिर क्रॉप टॉप ब्लाउज हो, स्लीव पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि एक ब्लाउज का, क्रॉप टॉप ब्लाउज का बैक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह स्लीव डिज़ाइन भी उतना इंपॉर्टेंस रखता है। जितना खूबसूरत आपका स्लीव पैटर्न होगा, जितना यूनिक, जितना क्लासी और न्यू रहेगा, उतना ही आपकी तरफ अटेंशन आएगा, आप डिफरेंट लगेंगे और सारे ही महफिल में आप ही चमकेंगी। तो इस तरीके के क्रॉप टॉप ब्लाउज में आप देख सकते हैं बहुत ही बिल्कुल हटके इसमें स्लीव पैटर्न्स हैं और आपके लहंगे को चार चांद लगाएंगे। इस तरीके के टॉप्स अगर आप सिलवाएंगे उसके साथ, इस तरीके का स्लीव पैटर्न का सिलाएंगे, इस तरीके का फ्लो लेंथ केप स्टाइल स्लीव या फिर इस तरीके का टैसल वाला स्लीव बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप पार्टी के शो स्टॉपर हो जाएंगी। इससे का टाई अप स्लीव रखा सकते हैं, वन टाई अप, या फिर इस तरीके का फ्लोई फ्लैड स्लीव रख सकते हैं, या फिर इस तरीके का लेयर्ड ऑफ शोल्डर स्लीव रख सकते हैं, या फिर इस तरीके का बोल्ड शोल्डर टाइप फ्लफी लेयर्ड स्लीव रख सकते हैं। काफ़ी सारे स्लीव ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपका प्रिंटेड टॉप है तो उसके लिए भी कैसे स्लीव आप रखा सकते हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। मोस्टली मैंने इसमें प्लेन टॉप्स के लिए स्लीव्स का मैंने इसमें रखा है, क्योंकि ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग प्लेन ब्लाउज सिलाना चाहते हैं जो कि सारी हमारे लहंगों के साथ, साड़ी के साथ चल जाए। तो प्लेन अगर स्लीव्स के लिए ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा प्लेन के साथ है ना, थोड़ा ड्रामा भी अच्छा लगता है, ड्रामेटिक स्लीव अच्छे लगता है। तो आप इस तरीके के ड्रामा वाला रख सकते हैं। वन शोल्डर काफ़ी ये ट्रेंड में चला है, ऑफ शोल्डर ट्रेंड में चला है, नेट वाले बहुत ट्रेंड में चले हैं। अगर आपका नेट फैब्रिक में यू नो एम्ब्रॉयडरी हुए तो बहुत खूबसूरत है।